नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के पाली नगर मालिका में क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल प्रदाय योजना का कार्य सालों से धीमी गति से चल रहा है। यहां निर्माण कार्य एजेंसी धीमी गति से काम करते नजर आ रही है। पानी की टंकी और पाइपलाइन का विस्तार कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। अब देखना ये होगा कि उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जाता है, वहीं लोगों को कब सुलभता से पेयजल मिलना प्रारंभ होगा। हमारी वार्ड नंबर 4 में जो कि सामने जो टंकी बनी हुई है उसका काम लगभग 1.5 सालों से रुका हुआ है, जो कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और यहाँ जैसे अगर कभी काल अगर बिजली चली जाती है तो वार्ड नंबर 4 में पूरी तरीके से पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। और जो पाइपलाइन का विस्तार किया गया था वो एकदम अव्यक्त पड़ा हुआ है, जो कि ना तो उसका सही ढंग से कार्य किया जाता है और ना तो कुछ, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका पेयजल सप्लाई करती है तो? नगर पालिका पेयजल सप्लाई तो करती है, लेकिन पूरी जगह पानी सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है, और जो पानी आता है वो भी सही तरीके से पानी नहीं आता है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे ताकि शीघ्र ही जनता को इसका लाभ मिल सके। काफी देरी हो चुका है, वहाँ ठेकेदार द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा है। शायद इनका हुडको से जो लोन पास नहीं था, शायद इसके कारण इनको थोड़ा सा समय लगा है। कब तक पूरा हो पाएगा? हालांकि मैंने ठेकेदार से बात की थी तो उन्होंने 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने के लिए कहा है। इसमें अभी तक समस्या ये आ रही थी कि हमको हुडको लोन सेंक्शन होना था इस परियोजना के लिए, तो वो सेंक्शन नहीं हो पा रहा था। अभी उसकी एक किस्त सैंक्शन हो गई है। इसके पहले हमने जो काम कराया था वो शासन अनुदान मत से काम किया जा रहा था, वो अनुदान खत्म हो चुका था। अभी हुडको लोन सैंक्शन हो गया है तो अब काम में तेजी आ जाएगी। कितनी लागत का है? ये कुल 12 करोड़ 15 लाख का है। कब तक पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समस्याएं भी देखी जा रही है उसमें? उसमें समस्या अभी सिर्फ इसकी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको प्राप्त करना है वन विभाग और रेलवे से। इसके अलावा अभी जैसे पहली किस्त ही हमको हुडको से आई है, आगामी किस्तें भी प्रस्तुत मैंने हमको प्राप्त करनी पड़ेगी। उसमें समस्याएं दो ही हैं, एक धन की और एक अनापत्ति की। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।